दिल्ली में मेगा सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है अब होगी दिल्ली साफ। इस अभियान में 311 नाम के ऐप की भी खास भूमिका है। सफाई अभियान के दूसरे दिन मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने दिल्ली को साफ कर लंदन न्यूयॉर्क जैसा बनाने का दावा भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी और उसमें से जो एक गारंटी थी वो थी दिल्ली को साफ सुथरा बनाना और दिल्ली को नंबर 1 सिटी बनाना। तो उसी के मद्देनज़र अब दिल्ली में एक सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मेगा क्लीनिनेस ड्राइव, मेगा जो है सफाई अभियान, जिसका आज दूसरा दिन रहा। इस सफाई अभियान का नाम है अब दिल्ली होगी साफ। दिल्ली में मेगा सफाई अभियान के तहत टीमें गलियों का निरीक्षण कर कूड़े की फोटो निगम की 311 नाम के ऐप पर अपलोड कर रही है और कर्मचारी उस पॉइंट्स पर जाकर सफाई कर रहे हैं। मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल की 10 गारंटियों में से एक गारंटी दिल्ली को साफ सुथरा कर नंबर 1 बनाना था, जिसे अब हम पूरा करने की शुरुआत कर चुके हैं। 3000 लोगों की टीमों का गठन हुआ है और हर टीम 50 गलियों का जो है निरीक्षण करेगी और जहां जहां कूड़ा दिखेगा उन पॉइंट्स को, जो हमारी नगर निगम की ऐप है 311, फोटो के साथ उन पॉइंट्स को ऐप में अपलोड करेगी और तुरंत जैसे ही फोटो अपलोड होगी नगर निगम के कर्मचारी जो हैं उन पॉइंट्स में जाके वहां की सफाई करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा के सदस्य दुर्गेश पाठक ने भी अभियान में हिस्सा लिया और अभियान को सफल बनाने का दावा किया है। कहीं पे भी कोई काम सही तरीके से हो ही नहीं पा रहा था, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी वो पूरी तरह से दिल्ली के लोगों के लिए काम करने को बिल्कुल इच्छुक नहीं थी। ना कहीं सफाई होता था, कूड़ा 4-4 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन तक पड़ा रहता था, बुरा हाल था पूरी तरह से। और बदले में हर एक जगह पे कहीं सफाई कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे अधिकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका दावा है कि ये सफाई अभियान पूरे साल यानी कि 365 दिन चलेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली पूरी तरह साफ सुथरी न हो जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए अभियान को बधाई दी है।